नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कट ऑफ, ठीक है। जो आपका कट ऑफ रहने वाला है क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए, उसकी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा प्रीवियस ट्रेंड कैसा था, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड की बात करें तो आपके जो जनरल अनरिजर्व के कैंडिडेट थे तो उनकी जो कट ऑफ गई थी 58.5 समथिंग। ओके, तो इतनी जो है, ये मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 692 पोस्ट कोड के लिए जो है इतनी आपकी गई थी, ठीक है। और बाकी की अगर एससी ओबीसी की बात करें तो उनका भी जो है 55 तक का, 54 53 5 तक जो है इनकी कट ऑफ फाइनल गई थी। लेकिन उसके बाद बात आती है यार कि पोस्ट जो अगर हम कंपेयर करें पिछले मुकाबले से, तो पिछले मुकाबले जो है 156 समथिंग जो है आपकी पोस्ट गई थी। लेकिन जो इस बार जो क्लर्क की हैं, सिर्फ आपके पास कुल मिला के जो है 9 से 10 पोस्टें हैं, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन होगा इस बार में। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और, जैसे कि हमारे कमेंट्स हो गए, उनसे उनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो कुछ आउटपुट निकल के आती है। खैर, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि कमेंट बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। और बात एक और आती है कि आपकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था इस पेपर का। तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन था, एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस आपका हुआ था 692 पोस्ट कोड के लिए। तो जो है ये पेपर थोड़ा ईजी था मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। जनरल नॉलेज जिसका एक्चुअली में अच्छा है वो इस पेपर को निकाल के ले जाएगा। अब बात आती है, हम इस बार की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप कमेंट्स की बात करें, देखिए कमेंट सेक्शन में देखिए आप इन लोगों ने जो है अभी कमेंट किए हैं, तो इन बेसिस पे अगर हम देखें तो 63 मार्क्स सबसे ज़्यादा अभी तक मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि आयुष के हैं। तो अभी तक जो है 63 मार्क्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले हैं। और कई स्टूडेंट्स ने जो है अपना जो है आंसर नहीं दिया है, जो मैंने आपसे पूछा था कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कम भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का कट ऑफ जो है जनरल अनरिजर्व के लिए जो है अगर हम बात करें तो वो जाने वाला है लगभग आपका जो 58 से लेके 64 के बीच में, ठीक है। तो इतना जो है जा सकता है जनरल अनरिजर्व का, ठीक है। क्योंकि यार जो आपका पेपर था मॉडरेट या इजी लेवल का पेपर था, इतना वो डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। और 40,000 समथिंग के लोगों के लिए जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड गए हुए थे। हालांकि उनमें से कुछ एब्सेंट भी थे लोग, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 35,000 तक जो है स्टूडेंट्स ने इसे पेपर को दिया है। तो अब लगभग उन स्टूडेंट में से जो है, अब कितने स्टूडेंट्स को, दो पोस्ट में से कितने बच्चों को जो है भेजा जाता है जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अगर 10 टाइम्स अगर हम बात करें, अगर दो पोस्ट हैं, अगर 10 टाइम्स अगर स्टूडेंट को बुलाएंगे तो 20 स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे दो पोस्ट के लिए जनरल अनरिजर्व। अब बात कर लेते हैं ओबीसी अनरिजर्व वालों के लिए, ओबीसी और एससी वालों के लिए, ठीक है। तो ओबीसी की जो है फिलहाल में 55 से लेके 58 तक जा सकती है, और अगर हम एससी की बात करें ये 52 से लेके आपका जो है 56 तक जा सकती है। कट ऑफ जो है इस बार हाई जाने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेपर और प्रीवियस स्टैंड को देखते हुए। और अगर हम बात करें बाकी सेक्शंस की, तो ये जो पेपर था काफ़ी ईजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो अगर बात करें तो दो जो है आपके पोस्टें ओबीसी अनरिजर्व के लिए दो दो पोस्टें करके ऐसे दी गई हैं, डिवाइड की गई हैं। तो जो आपकी कट ऑफ रहेगी इन्हीं के बीच में रहेगी। बाकी हम जो है कुछ और डेटा उठा के जो है फाइनल एक और कट ऑफ पे वीडियो तैयार करेंगे, जिसपे जो है आप जो है रिलाई कर सकते हैं। बेसिक जो है यहाँ पे अभी तक जो लग रहा है इतनी कट ऑफ चाहिए आपकी, तो ये देख लें आप लोग, तो इतनी कट ऑफ जो है इस बार जा सकती है। तो आप देख लेना मार्क्स कितने बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू यू। तो इस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये थी वीडियो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट टाइम में। तो वीडियो को देख लेना आपकी कट ऑफ कितनी बन रही है, कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं, प्लस माइनस एक दो जो है क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी जो फाइनल आंसर की आपकी आएगी तब आपका जो है पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी आंसर जो है आपको देखने को नहीं मिले होंगे करेक्ट आंसर, और मेरी वीडियो में भी 3 4 क्वेश्चन थे जिसमें जो आंसर बच गए थे, वो हम जो है आंसर की जब आएगी बेसिकली ओरिजिनल जो हमीरपुर बोर्ड की ओर से, उससे जो है आप डेटा कंपेयर करके पूरा पूरे जो आपके क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं, क्या पता आपके आंसर जो है प्लस 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बन जाएं जब ऑफिशियल आंसर की आए, ठीक
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बाकी देखते हैं यार। बाकी जो है नए स्टूडेंट जो है आपके लिए जो है शाम को लेक्चर आ रहा है, जो भी JOAIT के लिए फॉर्म भरे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।